और ये पूरी बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी बर्फ को काट के रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे बादल मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखे, इतना बड़ा बादल आया हुआ है। पर पूरी तैयारी के साथ जरूर आना, क्योंकि ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये बहुत फिसलन वाला रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन 3004 में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने के लिए जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर और कोई नहीं बल्कि पंच केदारों में से एक सबसे पहला केदार श्री केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ यात्रा के लिए कैसे जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन उतना ही जरूरी है जितना फ्लाइट में बैठने से पहले टिकट और बोर्डिंग पास। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। हरिद्वार और ऋषिकेश भारत के सभी बड़े शहरों से बाय रोड और बाय ट्रेन कनेक्टेड है। यहां पहुंचने के बाद आप बस या शेयरिंग टैक्सी हायर कर सकते हैं जो आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएगी। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। रजिस्ट्रेशन चेक होने पर ही आपको आगे गौरीकुंड जाने की परमिशन मिलेगी जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करा लें। दोस्तों इस समय हम सोनप्रयाग में हैं और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन जो हो रखा है उसकी चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है सारी की सारी। इस समय सवेरे के 4:45 बज रहे हैं और बहुत ही सुंदर माहौल है। दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हो चुका है और हम अब आगे आ गए हैं। अब यहाँ से आगे हमें टैक्सी मिलेगी। इस समय हम आ गए हैं ये सोनप्रयाग, यहाँ से टैक्सियाँ मिलेंगी हमें जो कि हमें छोड़ेंगी गौरीकुंड। और सवेरे के 4:45 बज चुके हैं लगभग और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। इस समय खाली है, हम ओपनिंग पे जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। ये सब लोग यहाँ पे जीप का वेट कर रहे हैं, जो जीप सोनप्रयाग से, ये सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेके जाती है, फिर गौरीकुंड से आगे पूरी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ की। तो सभी उसी का वेट कर रहे हैं। अभी 4 बजे स्टार्ट होगी, अभी 4:05 हैं। तो जो जो होगा पूरे रास्ते का, ट्रैकिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल टैक्सी मिलती है जिसका किराया मात्र 50 रुपये है। आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों ही जगह होटल्स की सुविधा बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप गौरीकुंड रुकें क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपका ट्रेन गौरीकुंड से ही स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस समय हम गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड का ये सूर्य 5:30 बजे का नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा ये आप देख सकते हैं। और इस समय यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है अभी आपको दिखाएंगे आगे ट्रैक पे चलते हुए कितनी भीड़ होगी। ये सामने ये पिट्ठू वाले और घोड़े वाले खड़े हुए हैं और यहीं से यात्रा आगे जाती है जो कि ट्रैक स्टार्ट होता है। यह ट्रैक 22 किलोमीटर का है जिसे आप पैदल, घोड़े पर या पिट्ठू पर कर सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको फाटा से हेलीकॉप्टर मिलेगा जो कि सोनप्रयाग से पहले आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टिकट्स आपको पहले ही ऑनलाइन बुक करानी होगी। पूरा ट्रैक कुदरत के नज़ारों से भरपूर है। बीच बीच में खाने पीने के स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको किसी प्रकार से खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। आप मज़े करते हुए और नज़ारों का मज़ा लेते हुए खाते पीते अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पूरा कर सकते हैं। ट्रैक के स्टार्टिंग में आपको लश ग्रीन वैली और मंदाकिनी नदी के साथ साथ चल रहा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रास्ता थोड़ा स्टीप है तो इसके लिए सजेस्ट यही करेंगे कि आप अपनी पेस धीरे रखें और पानी ज़रूर पीते रहें। मिडवे में आपको जंगल चट्टी, भीमवली और लिंचोली जैसे रेस्ट पॉइंट्स भी मिलेंगे जहां आप रुक रुक कर आराम कर सकते हैं और लोकल फूड बड़े ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरी वैली में बादल आए हुए हैं और इसी वैली से हम आए हैं और ये पूरी बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी बर्फ़ को काट के रास्ता बनाया हुआ है ये, और ऊपर पहाड़ पे भी है। आगे जाएंगे और मिलेगी, और यहाँ पे ये सारे बादल है वैली के अंदर। तो आशु ये नज़ारा कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब
कैमरा है वैसा कैप्चर नहीं कर पा रहा जैसी आपकी आंखें देख रही है, जैसी आंखें देख रही है वैसा कैमरा कर ही नहीं पा रहा। व्यू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है विच यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मतलब बाय गॉड ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। हालांकि केदारनाथ में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, ये व्यू लाइफ में बहुत कम बार देखने को मिलेगा। और ये खूबसूरती है केदारनाथ, यहाँ पे हर 15-20 मिनट में आधे घंटे में टेम्परेचर चेंज होता है, मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसे बादल मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखे। तो आप जब भी यहाँ आए, इस खूबसूरती का मज़ा लेना है, तो केदारनाथ ज़रूर आए। दोस्तों मेरे पीछे जो आप बादल देख रहे हो, ये बादल पूरी वैली में छाने वाला है। और ये जो सामने का व्यू है, ये बिल्कुल केदारनाथ यहाँ से टॉप यहाँ पे चढ़ के, मतलब जो ये टॉप दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमें चढ़ाई है, उसके बाद हमारा उतराई शुरू हो जाएगी और उसके बाद होंगे हमें केदारनाथ मंदिर के दर्शन। और यहाँ पे जो बादल छाए हुए हैं, हर 15 मिनट में, लिटरली हर 15 मिनट में चेंज हो रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा बादल आया हुआ है। दोस्तों जब भी केदारनाथ आओ तो अपनी प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ ज़रूर आना, क्योंकि ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये बहुत फिसलन वाला रास्ता है। इस पर आप प्रिकॉशन बहुत इस रास्ते पे प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। ये पूरा ग्लेशियर है सामने, ठीक है, और इसमें से पानी निकलता रहता है। तो ये जो सड़क गीली रहती है ना, इस तरफ का जो ट्रैक गीला रहता है, वो इसी वजह से गीला रहता है क्योंकि ग्लेशियर में से पानी निकलता रहता है। तो जब भी आप आएँ अपने पूरे प्रॉपर शूज़ वगैरह के साथ, जैसे मेरे भाई ने पूरा रेनकोट वगैरह, शूज़ वगैरह पूरे प्रॉपर तरीके से डाल रखा है, मैंने कर रखा है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये जो ग्लेशियर है ना, इस पर यहाँ आने के बाद ना, ये बदतमीजी कभी मत करना, ये लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि इसी पे मिस हैपनिंग होती है कई दफ़ा। और यहाँ की जो कमेटी है, जो आर्मी है, वो मना करती है इस तरीके से ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए। तो आइंदा इस तरीके की आप लोग बदतमीजी ना करें, इससे आपकी जान माल का खतरा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ग्लेशियर है, कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है। इससे अभी हम आए हैं जो जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, और ये सामने का व्यू है वैली का, अद्भुत अद्भुत नज़ारा। हाँ भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शक्ल क्यों छुपा रहा है घूंघट में? हम केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर हैं, और अभी अभी बारिश हो चुकी है, और ये है मौसम, पूरा पूरा बादल छा चुका है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही बढ़िया मौसम हो चुका है। इससे ज़्यादा जन्नत और क्या ही चाहिए किसी को भी। ये देखिए चारों तरफ, उधर एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा था, वो भी नहीं दिखाई दे रहा इस समय। दस 15 मीटर से आगे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे 15 या 20 मीटर से आगे। हर हर महादेव। दोस्तों हम बहुत पास पहुँच चुके हैं, केदारनाथ मंदिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, बेस कैंप 1 किलोमीटर है, और घोड़ा पड़ा 0.5 किलोमीटर है सिर्फ। लेकिन हर कदम कदम पे जो नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो इसी तरह हम नज़ारों का मज़ा लेते लेते मंदिर तक पहुंच गए। आपको बता दें कि हम 2024 में ओपनिंग पर केदारनाथ दर्शन करने गए थे, जिस दिन कपाट खुलने थे। तो हमने ट्रैक 9 तारीख को स्टार्ट किया था और हम 9 की रात तक ऊपर पहुंच गए थे। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे आराम से लगे। तो आशीष भाई एक बात बता, हमने सवेरे कितने बजे ट्रैक चालू किया था केदारनाथ का? 6 बजे। सवेरे 6 बजे केदारनाथ का ट्रैक चालू किया था, और अभी भी टाइम हो रहा है 1:15, अभी भी 7.5 किलोमीटर के आसपास मंदिर बचा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो ये चढ़ाई कितनी कठिन है, लेकिन बाबा का नाम लेते रहो और यहाँ आते रहो, आपकी चढ़ाई पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
चल। यहाँ पे ना नीचे से जितने भी घोड़े आते हैं यहाँ पे रोक दिए जाते हैं। यहाँ से बेस कैंप की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और यहाँ से आपको पैदल जाना होता है। थोड़ी सी आगे चलेंगे हमें ओम दिखाई देगा, ठीक है, और उसके ठीक स्ट्रेट लाइन में मंदिर है। दोस्तों ऊपर पहाड़ पर बर्फ बहुत गिरी हुई है, कैमरे में मोबाइल कैमरे में शायद आपको इतना ना पता लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत है इस समय। जहाँ तक मेरा ख्याल है आज 9 तारीख है, वैसे तो 9 मई, 10 मई को कपाट खुलने हैं, कल सूर्य तो हम ओपनिंग पे आए हैं, और इस समय का टेम्परेचर 9 या 10 डिग्री है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए रात को कितना हो जाएगा। और अगले 3 से 4 दिन में दोबारा स्नोफॉल लिखा हुआ है, शायद अगर वेदर वैसा बन जाता है तो शायद स्नोफॉल भी देखने को मिले। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ बेस कैंप। बेस कैंप में आप पर पर्सन के हिसाब से एक कैंप ले सकते हैं जिसमें आपको शेयरिंग कैंप होगा, उसमें 12 जनों का 4000 रुपये है, बट अलग अलग भी लेना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो अगर आप केदारनाथ अभी मई और जून में आ रहे हैं ना, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से अपने बुकिंग वगैरह प्लानिंग पूरी करके आएँ, इस भरोसे पर मत आएँ कि यहाँ पे आके आप अरेंजमेंट कर लेंगे, जब इस भरोसे पे तभी आएँ जब आपका यहाँ पे कुछ जानने वाला हो, लेकिन अपनी बुकिंग वगैरह पहले से करके आएँ। यहाँ पे इस समय बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है कहीं से कहीं तक भी, और ठंड बहुत अच्छी है। ये जैकेट पहनी हुई है, इसके नीचे स्वेटशर्ट है, लोअर भी है वो भी वुलन है। तो क्या है, मंदिर के प्रथम दर्शन हो गए। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये इतनी दूर से हमें दर्शन हो गए मंदिर के, तो बहुत खुशी हुई है। वो भाई तो सामने जो जा रहे वो तो झूमने लग गया था। देखो दोस्तों ये रास्ते में भी कैंप लगे हुए हैं, आप इनमें भी ले सकते हो। ये लोग अपने पर्सनल जो लेके आते हैं टेंट वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो जो नीचे से टेंट लेके आ रहा है वो यहाँ पे अपना टेंट लगा के उसमें रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जब हम 9 मई को मंदिर पहुंचे तो नज़ारा कुछ ऐसा था, भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी और सभी में जोश और खुशी का माहौल था। 9 मई को ही बाबा केदार की डोली गौरीकुंड से मंदिर पहुंची थी। बाबा केदार की डोली का स्वागत नगाड़ों के साथ बड़े ही उत्साह के साथ हुआ। शाम को मंदिर सजाने की तैयारी भी चल रही। नेक्स्ट डे जब कपाट खुलने थे तो आर्मी बैंड भी वहीं था। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही थी, लोग झूम रहे थे और कई ढोल नगाड़े बज रहे थे, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ भाड़ मौजूद थी। फाइनली हमें बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए महादेव के। महादेव के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के दर्शन करने गए, क्योंकि माना जाता है कि भैरव बाबा ही पूरी केदारनाथ वैली के रक्षक हैं और भैरव बाबा के दर्शन करे बिना केदारनाथ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। भैरव बाबा केदारनाथ मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही ईजी ट्रैक है। पूरी केदार वैली का बड़ा ही अद्भुत नज़ारा भैरव बाबा मंदिर से मिलता है। तो ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा। तो आप सब लोग कब जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।